अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। हम पढ़े हैं एफएससी पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जब हम किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से एक या दो इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया, तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। एक एटम जो कि अपनी आइसोलेटेड गैशियस फॉर्म में है और ग्राउंड स्टेट में है, उसके आउटर मोस्ट शेल में से एक या दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया, ये एनर्जी हम अप्लाई करते हैं, देते हैं उस एटम को, तो उसको आयनाइज करने के लिए, उसको प्रोटॉन्स में, उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए हम एनर्जी देते हैं, और उसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स या जितने हम इलेक्ट्रॉन्स चाहें वो निकाल लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक हो गया, तो इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे सेकंड स्टेप में। इस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट हम एनर्जी अप्लाई करेंगे वो एनर्जी हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, और जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे और जो एनर्जी देंगे तो उसको हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, एनर्जी द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई, कि एनर्जी या मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। ठीक हो गया, इसके एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट था। अब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उनमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास मैग्नेशियम के लिए लेते हैं। मैग्नेशियम के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाले, हमारे पास एम जी पॉजिटिव बनेगा, वन इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। अब इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है हमारे पास ये होगी 738 किलो जोल पर मोल। अब इसी की जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालें, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू, इसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। हमने एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमारे पास 1451 किलो जोल पर मोल है। ये तो हो गया कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और उनके एग्जांपल्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देखें ना, यहाँ पे हमने इसमें से मैग्नेशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, हमारे पास जो एनर्जी हमें देनी पड़ी वो थी 738 किलो जोल पर मोल। सेकंड स्टेप में भी हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो हमें एनर्जी देनी पड़ी 1451 किलो जोल पर मोल। ठीक हो गया, इतनी एनर्जी हमें क्यों देनी पड़ी, इस केस में हमें कम एनर्जी देनी पड़ी थी, इस केस में हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी। तो इसकी रीजन ये है कि जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इससे क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या कह लें कि जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, उनका जो बैलेंस होता है वो खराब हो जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एक रह जाता है उसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है, फिर उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। इसलिए जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है देन दैट ऑफ देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया, तो ये रीजन थी कि हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा क्यों होती है। ठीक हो गया, आप इसका हम देखते हैं ट्रेंड पीरियडिक टेबल में। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप में,
आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप में ट्रेंड जो है वो, जब पीरियड में ट्रेंड की बात करें तो उसके मेन फैक्टर्स टू ही हैं, थ्री फैक्टर्स है मेन, एक एटम का साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज और तीसरा है शील्डिंग फैक्टर। ठीक हो गया, थ्री मेन फैक्टर्स है इसमें। जो फर्स्ट फैक्टर है, थ्री फैक्टर्स, फर्स्ट है हमारे पास कौन सा, न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड शील्डिंग फैक्ट, और थर्ड जो है वो हमारे पास एटम, एटॉमिक साइज, एटम का साइज जो है। अब बात करते हैं ग्रुप में, ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। तो जैसे हम ऊपर से वो नीचे की तरफ मूव करें ग्रुप में, तो हमें पता है एटम का साइज क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। एटम का साइज इंक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग फैक्ट एंड ड्यू टू डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जैसे ही हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या चीज है, जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज होते हैं उनकी तादाद। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बचाते हैं, जिस इफेक्ट को हम कहते थे शील्डिंग इफेक्ट। अब ये इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है। एटम का साइज इंक्रीज हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स इजिली निकल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जब वो इलेक्ट्रॉन इजिली निकल सकते हैं तो उनको निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी भी कम होगी। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। ठीक हो गया, डिक्रीज क्यों होती है उसकी हमने रीजन भी देख ली है। रीजंस क्या है, इंक्रीज इन, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, और दूसरा फैक्टर क्या है, इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने से और हमारे पास जो है दूसरा है जो हमारे पास एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होता है, शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से आउटर मोस्ट जो शेल है उनके में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी होता है और कम एनर्जी लगती है उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। ठीक हो गया, उसके बाद बात करें पीरियड में इसके ट्रेंड की, तो पीरियड में भी यही तीन फैक्टर्स हैं, लेकिन इस केस में पीरियड्स के केस में शील्डिंग इफेक्ट जो था वो अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हमें पता है पीरियड के केस में क्या होता है, जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो एटम का साइज है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एटम का साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट ना डिक्रीज होता है ना इंक्रीज होता है, वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्यों, क्योंकि शेल नंबर के वो उसकी एडिशन नहीं होती, शेल नंबर इंक्रीज नहीं होता, शेल सेम रहता है। जब शेल सेम रहता है उनमें इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में आते जाते हैं सेम शेल में, और न्यूक्लियस में नंबर प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होती जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज नहीं होता। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है हमारे पास इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स। रीजन इसकी क्या हुई, इंक्रीज डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरी रीजन क्या है, एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है एटम श्रिंक कर जाता है, एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है। अब एटम का साइज जब कम हो गया तो न्यूक्लियस के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स के निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स। ठीक हो गया, पीरियड्स में वो इंक्रीज होती है। तो इसके बात करें अगर हम इसका जो ग्राफ है
वो ड्रा करें पीरियड्स के केस में, तो हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है यहाँ पे हमारे पास अगर हाइड्रोजन है इसकी, उसके बाद जो हीलियम की यहाँ पे आती है, मतलब काफी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होते बढ़ जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो इसको कह रहे हैं कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज है वो नोबल गैसेस की होती है, क्यों, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट होते हैं और वहां से लेके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, इसलिए उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक हो गया। तो ये सिंपल सा टॉपिक था आयनाइजेशन एनर्जी का, इसमें ये बात का तो लॉन्ग भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है, अगर शॉर्ट में भी आएगा तो आपने ये जो हमारे पास है इसमें सोडियम और मैग्नीशियम की एग्जाम्पल्स लिख देनी है, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, अगर लॉन्ग में आए तो ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स लिखने के बाद ये ट्रेंड भी आपने लिख देना है, ठीक हो गया।